नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी कराने आए एक गरीब परिवार को लिए महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पूरा मामला दातागंज कस्बे का है, जहां रजनीश अपनी पत्नी गायत्री देवी को डिलीवरी कराने दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गया था, जहां स्टाफ नर्स की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हमारे पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं था, उसी कारण हमारे बच्चे का साथ दुर्व्यवहार किया गया। रजनीश, क्या हुआ आपकी मिसेज के साथ? हम अपनी जो पत्नी को लेके गए थे अस्पताल, तो कहा था कि आप 2 घंटा का टाइम दो मुझे। 2 घंटे के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से खबर आई थी कि ऐसा करो, 2000 रुपये हमें दे दो तो काम कर देंगे। उसके बाद में हमने जाकर था 2000 चाहिए या 3000 चाहिए हम देंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, 10 मिनट के लपेट में रुक जाओ आप। जब 10 मिनट के बाद हमारे लिए उन्होंने 9:30 बजे बधाइयों के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने गाड़ी मंगा ली और पैसे भी मंगा लिए तो कहा 10 मिनट आप इंतज़ार करो। किसने कहा था इस चीज़ को? इसने कहा था, जिसने भर्ती किया था। अच्छा, डॉक्टर नहीं थी? हाँ, डॉक्टर नहीं थी। उसके बाद में फिर मुझे नहीं अंदर जाने दिया और नहीं किसी को बाहर से अंदर जाने दिया, ना अंदर से कोई बाहर को आने दिया उसने जी। उसके बाद में करीब 12:30 बजे के टाइम पे मुझे वहाँ से निकाला, जब बच्चा आधा अंदर था आधा बाहर था, बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो इसमें किसकी लापरवाही रही है? इसकी डॉक्टरनी की थी लापरवाही। अगर वो पहले से अगर मुझे छोड़ देती तो 7 बज सकते थे दोनों चीज़ें। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ उसके लिए देखभाल करी जाए, उसके लिए कुछ करी वो करी जाए।